इकोनॉमिक्स का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले आता है बड़े बड़े ग्राफ्स, टेबल्स, कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। इन तमाम चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके ना तो एग्जाम में अच्छे नंबर्स आते हैं और ना ही उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और वो अपना पेपर पास कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है और इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, जिन लोगों की वजह से इकोनॉमिक्स आज इस शेप में हमारे सामने मौजूद है। तो बगैर वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो हम बात कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स के हवाले से, इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है। देखिए, इकोनॉमिक्स दरअसल दो वर्ड से मिलकर बना है। लफ्ज इकोनॉमिक्स एक ग्रीक जबान का लफ्ज है और ये बना है ओआइकस और नेमिन से। ओआइकस का लफ्जी मतलब है हाउस और नेमिन का मतलब है टू मैनेज। दरअसल ये दो अल्फाज जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है जिसका मतलब होता है टू मैनेज हाउस होल्ड, यानी घर के अखराजात को, घर के मामलात को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि महदूद वसाइल में रहकर तमाम अखराजात पूरे हो सकें और घरेलू मामलात चलते रहें। ये तो थी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ ये कि इसके कॉन्सेप्ट्स में ग्रेजुअल यानी बतदरीज तब्दीली आती रही है और फी जमाना जमानो मकान के एतबार से इसकी डेफिनेशंस में भी तब्दीली आई है और आने वाले वक्तों में यानी आज से 50, 60, 70 साल या 100 साल बाद मजीद इस कॉन्सेप्ट में तब्दीली आएगी। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के हवाले से। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स 1776 में एक साहब जिनका नाम एडम स्मिथ था, उन्होंने अपनी पहली किताब वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से लिखी और वो दुनिया के सामने पेश कर दी। दरअसल किताब लिखने वाले साहब यानी एडम स्मिथ साहिब किताब एक फिलोसोफर थे और इकोनॉमिक्स को बाकायदा तौर पर, बाजाबता तौर पर लोगों के सामने एक सब्जेक्ट के तौर पर लाने वाले शख्सियत थे। इससे पहले इकोनॉमिक्स की अबजद या शुद्ध बुद्ध किसी हद तक लोगों में तो थी, लेकिन लोग इसको एज अ सब्जेक्ट या एक मजमून के तौर पे नहीं पढ़ते थे। जब उन्होंने ये किताब लिखी, जो कि एडम स्मिथ एक स्कॉटिश शहरियत रखने वाले साहब थे, जब उन्होंने ये डेफिनेशन लोगों के सामने रखी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ यानी मुआशियात दौलत कमाने का इल्म है, सो उस वक्त जो गिर्दोपेश के लोग थे वो मुआशरा उस वक्त चर्च के जेरे इंतजाम था, जेरे असर था, जेरे तसल्लुत था। चर्च ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा मुनासिब नहीं समझा और एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन के लिए मुआशरे के अंदर गिर्दोपेश के जो पढ़े लिखे लोग थे एक बहुत बड़े तबके में रिटेलिएशन यानी रद्द अमल की फिजा पैदा हो गई और एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन को उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया। इस पर जा बजा तनकीद हुई और डंके की चोट पर एडम स्मिथ को ये कहा गया कि आप तो एक ऐसा इल्म मुआशरे को देना चाह रहे हैं और लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं जो दौलत कमाने का इल्म होगा, जो एक शैतानी इल्म है। एडम स्मिथ के ऊपर बहुत तनकीद हुई, लेकिन उनको उनकी कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी तायद भी करते थे इस डेफिनेशन में, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। बहरहाल इकोनॉमिक्स की वजह से एडम स्मिथ का ये फेज जिस पे उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, इस एज को, इस एरा को कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक एज। ये इकोनॉमिक्स की क्लासिकल एज थी। जब दूसरा फेज हम देखते हैं यानी जिस दूसरे फेज का नाम है नियो क्लासिकल एज, उसमें जो सरबरा थे उसके जो लीड करने वाले थे और जिनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है नियो क्लासिकल एज में, वो हैं प्रोफेसर एल्फर्ड मार्शल। प्रोफेसर एल्फर्ड मार्शल इस मैदान में आगे आए और उन्होंने आकर एडम स्मिथ की उस डेफिनेशन को, जो एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब लिखकर इस बात को वाज़ेह किया था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, उसके ऊपर न सिर्फ तनकीद की बल्कि कहा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मुनासिब अंदाज में नहीं की गई। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इस तरह करके एक्सप्लेन कर दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर थी। उन्होंने क्या डेफिनेशन पेश की, एल्फर्ड मार्शल ने डेफिनेशन ये पेश की कि दरअसल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन वेलफेयर यानी मादी फलाह बहबूद का मुताला करता है। यानी उनके मुताबिक एडम स्मिथ की डेफिनेशन टोटली फोकस थी दौलत कमाने के इल्म के ऊपर, ये दौलत का इल्म है, लेकिन एल्फर्ड मार्शल ने कहा कि दरअसल असल मरकज, असल मकसद दौलत कमाना नहीं बल्कि उस दौलत के नतीजे में मादी फलाह बहबूद हासिल करना है। एल्फर्ड मार्शल को भी इस मामले में पजीराई किसी हद तक तो ज़रूर मिली और इकोनॉमिक्स के ऊपर लगे हुए जो बदनामी के धब्बे थे वो किसी हद तक तो वो मिटाने में कामयाब हुए, लेकिन बहरहाल अब भी वो मामला, वो एक्सेप्टेंस, वो कबूलियत अब तक मुआशरे में या पढ़े लिखे तबके में सामने नहीं आ सकी
जिसकी वो उम्मीद रखते थे। बहरहाल उन्होंने ये डेफिनेशन दी और उन्होंने एडम स्मिथ के हवाले से उनकी डेफिनेशन की तरदीद की। कुछ साल मजीद गुजरे, यानी अब इकोनॉमिक्स का तीसरा फेज गालिबन 42-43 साल का अरसा बनता है, और इन 42 सालों बाद मजीद एक और साहब आते हैं और यहां से इकोनॉमिक्स का तीसरा फेज शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एज ऑफ इकोनॉमिक्स। मॉडर्न एरा ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो तीसरे साहब है जिनके सर ये सहरा जाता है, उनका नाम तो प्रोफेसर रॉबिन्स। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने दरअसल इकोनॉमिक्स को एक तरीके से रीडिफाइन किया और उसकी फिर मजीद एक और डेफिनेशन पेश की, और एल्फर्ड मार्शल के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की मटेरियल वेलफेयर के हवाले से या मादी फलाह बहबूद के हवाले से, रॉबिन्स ने उस पर तनकीद करते हुए ये कहा कि ये डेफिनेशन, इसमें बहुत सारे नुकायस हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, दरअसल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये नहीं है। उन्होंने बात की दरअसल मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम स्केरसिटी और चॉइस की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज़ें मेनली हमारे सामने आती हैं, यानी ख्वाहिशात और उनको पूरा करने के लिए उनके वसाइल, यानी स्केरसिटी यानी शिद्दत के साथ किसी चीज़ की कमी का होना, और दूसरी तरफ उनके मीन्स जिनसे वो वसाइल पूरे जिनसे वो ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। जो तरदीद या जो तनकीद रॉबिन्स ने मार्शल के ऊपर की, वो उनके चीदा चीदा में एक दो नुकात आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहली तनकीद तो मार्शल की तरफ से ये की गई कि एल्फर्ड मार्शल ने जो डेफिनेशन की वेलफेयर के ऊपर, तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इमेजरेबल है, यानी इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। मसलन अगर किसी शख्स को किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो पैमाइश नहीं की जा सकती, उसको नापा नहीं जा सकता कि उसे कितना फ़ायदा हुआ, कोई पैमाना नहीं है। तो पहले तो उनका जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वही एम्बिगुअस है, वही अनक्लियर है, वही मुबहम है। दूसरी तनकीद उन्होंने ये की कि जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ये हर शख्स की नज़र में मुख्तलिफ है, गोया मेरे लिए वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कुछ और हो सकता है, जो चीज़ मेरी नज़र में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मुमकिन है वो मेरे लिए तो बहुत अच्छी हो लेकिन आपके लिए वो अच्छी हरगिज़ ना हो, लिहाजा ये दूसरी चीज़ उन्होंने इस कमी का सामना किया। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि वेलफेयर का जो एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है वो दरअसल इकोनॉमिक्स आप ये क्लियर नहीं कर रही कि मुमकिन है कोई चीज़ किसी शख्स के लिए नुकसानदेह हो और वो उसे अपने लिए वेलफेयर समझता हो। मिसाल के तौर पे इंटॉक्सिकेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे नशावर अद्वियात हैं या कोई नशावर चीज़ है। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई शख्स कोई चीज़ इसको इस्तेमाल करेगा, बहरहाल उसकी नज़र में तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए एक सोर्स ऑफ वेलफेयर है, यानी मादी फलाह व बहबूद का एक जरिया है, लेकिन दरअसल ये इंसानी फलाह व बहबूद का जरिया नहीं बल्कि इससे तो उसको नुकसान होता है। इस तरह के कई और उन्होंने तनकीदी नुकात पेश किए और कहा कि ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की मेरी नज़र में बेहतरीन है। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है मॉडर्न एज के अंदर, अब तक की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन कंसिडर की जा सकती है। आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि एल्फर्ड मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स की दोनों की डेफिनेशन के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो किसकी डेफिनेशन का पल्ला भारी है। बहरहाल इकोनॉमिक्स की जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसको मुस्तरद माना गया है और तीन फेजेस गुजर चुके हैं, मुमकिन है आने वाले वक्तों में मजीद इसमें तब्दीली और तगैर रोनमा हो और हम मजीद इसके अंदर कोई तब्दीली देखें। अलगरज ये कि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन पेश की गई उसका लुबे लुबाब ये था कि इकोनॉमिक्स से मुराद मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इस सारे तीन एजेस को मुख्तसर अंदाज में समराइज किया है और मैं इसमें किसी हद तक कामयाब हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स की इस कॉन्सेप्ट की समझ में आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कॉमर्स और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हवाले से मजीद वीडियोज़ भी अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।